मैं ज्यादा कुत्ती नहीं करता है। वो अपना फोन क्यों दिखाऊं? कैसे बड़ा भाई है ये? मैं भाई बहन का फोन चेक करना है इसे। गाइज हमारी शिद्दत देख रहे हो, हम लोग स्पेशल ड्राइव थ्रू आए, नीचे हो जा, हम लोग स्पेशल ड्राइव थ्रू आए सिर्फ रील शूट करने, सो दैट एक अच्छी रील निकल पाए, क्योंकि ये हरकत हम जनरली करते रहते हैं। हमने सोचा क्यों ना इसको एज अ रील बना के पोस्ट कर दिया जाए। तेरी बेस्ट की आंख। ये शिद्दत हर कंटेंट क्रिएटर को दे, मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ इन शॉर्ट। अब ये बता, ये जो कोल्ड कॉफी ली है हाय, और ये जो बर्गर लिया है इसका क्या करें? दे देते हैं, किसी को डोनेट कर देते हैं, कोई रास्ते में दिखेगा तो। ऑल राइट गाइज, एक मिनट, तुम पहले ही आ गए यार, थोड़ा बहुत तो रोमांटिक होने दिया करो। गेट खोलता मैं तुम्हारे लिए, है ना? तुम खुद ऐसी सी हो और साथ में बाद में बोलती हो कि मैं रोमांटिक नहीं हूँ। ऑल राइट गाइज, हम लोग ना अभी यहाँ से कुछ सामान देखने आ गए हैं। क्यों? ऐसा है, हमारी सोसाइटी में कुछ लोग हैं जो जिनको इस बात से चिढ़ है कि कुत्ते पानी क्यों पीते हैं। कुत्ते नहीं, बर्ड्स। पानी पी क्यों रहा है? हाँ। उन्होंने हमारे पानी के रखे हुए बाउल तोड़ दिए, बट कोई बात नहीं, हम और लेके दोबारा रखेंगे। और जिन्होंने तोड़ा है ना, जिन्होंने हटाया है और जिन्होंने हटवाया है, बवासीर हो जाऊं। नहीं, उनको पता चलना चाहिए प्यास क्या चीज होती है। नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ बवासीर हो जाए, साला बैठ ही ना पाए। जब पाद आए ना उनको दर्द साथ में। इतना ही ठीक है, मेरे को लगता है हमें ऐसे दो ले लेने चाहिए। ऋषि के लिए ये लेना है। ये कितने का? ये सब ले लो। गाड़ी में तो कोई भी नहीं है ना। हाँ, ऐसे साइड में रख दो, उधर साइड में जा, कपड़ा रखा है। हाँ, इट्स लाइक शिल्पा का कहने का मतलब है आप तोड़ते जाओ, हम खरीद के लगाते जाएंगे। बहुत पैसा है हमारे पास इस चीज के लिए। देखो, अच्छा कर्म करोगे ना तो अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल ही मिलता है। जो कर रहे हैं उनको, मैंने इतने अच्छे अच्छे कर्म किए फिर भी मुझे मेरी पसंद की लड़की नहीं मिली। ये डेढ़ फुटिया मिली मुझे। बायदा में तुझे तो बाथ टब की जरूरत ही नहीं है, तू इसमें नहा सकती है बकायदा, मेरी आधी फुटिया। बाबू, रुको, यहाँ रुको। क्या है? रुको, रोहित। अबे रोहित, एटलीस्ट मैं काला सांड नहीं हूँ। रोहित यार, काला सांड नहीं हूँ मैं। अच्छा, गोरा सांड है? गोरा भी नहीं। एक मिनट, सांवला ढूंढ, वो आ गया। रोहित सांड ही है वो। कौन है? क्यों है? बहुत धरूंगा मैं तेरे सपने में। बाकी लोग हमसे चार वीडियोस से पूछ रहे हैं, एक्चुअली 5-6 वीडियोस से, निधि का है, और कुछ वीडियोस से पूछ रहे हैं 11 दिन की ट्रिप में से सिर्फ 5 वीडियोस कैसे निकली। क्या बताना चाहोगे? पहले वाले मुद्दे की बात करते हैं, खाना खा के। सही बना दिया यार इसको। अब हम करते हैं मुद्दे की बात। बहुत लोग हमसे ये पूछ रहे थे कि भाई आप 11 दिन गए ट्रिप पर और वीडियो सिर्फ निकाली 5, ये तो सरासर धोखा है, खतरनाक धोखा है। इवन मैं भी होता आपकी जगह तो मैं भी यही पूछता। तो मैं अब आपको उसका एक्चुअल रीजन बताता हूँ। एक्चुअली जिस कंपनी के साथ में, अरे यार, ट्रिप की प्लानिंग हुई थी बहुत अच्छी, बस हमारा जो खराब हुआ ना ट्रिप पर जाके, वो हुआ एग्जीक्यूशन। और सर्कमस्टेंसेस कुछ इतने खतरनाक तरीके से बेकार हो गए थे ना कि हम ना इंजॉय कर पाए, ना एक दूसरे को टाइम दे पाए, ना ही व्लॉग्स ढंग से बन पाए। एंड यही सब सोच कर ना हम दोनों का ही मूड खराब हो रहा था। एक्चुअली जिस कंपनी के साथ हम लोग ट्रिप पर गए थे ना, वो निकली फुदू, सो कॉल्ड फ्रेंड्स। बताऊंगा कि हमारे साथ व्लॉग में क्या क्या हुआ विस्तार में, अच्छे तरीके से, किसी आने वाले व्लॉग में, इस व्लॉग में नहीं। कहने का मतलब ये है ना, वो जो 5 व्लॉग 11 दिन में निकले हैं ना, वो भी आ गए हैं, बहुत बड़ी बात है। वो भी नहीं बनते क्योंकि हम दोनों, मैं और शिल्पा, आपस में कलेश ही कर रहे थे। हैं? No comments. तो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि हमारे जो व्लॉग्स है ना, जितना हो सके सिनेमैटिक हो जाए, इन्फॉर्मेटिव हो जाए, ताकि आप लोग उस व्लॉग को जितना हो सके इंजॉय कर सको। और
घर से बाहर निकलो, हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, सब कुछ ही यार हमारे देश में। नहीं, ये जो तू पेंसिलें फेंक रहा है ना, काम आएगी तेरे। इन सब चक्करों में मेरी ट्रिप और खराब हो गई इसकी वजह से। मेरी वजह से तो नहीं हुई। ऋषि कहाँ है? अबे ऋषि कहाँ है? अभी तो ऊपर गया वो। ऋषि कहाँ है? ये तो बंद है, कहाँ छुपा के रख दिया मेरे ऋषि को? हे भगवान, कहाँ गया? डोर पॉकेट्स में भी नहीं है। कसम से एक्टिंग के बादशाह माशाल्लाह। ये ले चल। ऋषि को उसकी दादी माँ ले जा चुकी हैं। उठा उसको। मेरे पास सामान है। फर्स्ट मुद्दा क्लियर। अब आते हैं सेकंड मुद्दे पे, जो कि है कि निधि ने पौंडीचेरी जाने से पहले हमारे लास्ट के पोस्ट रोल में आपने देखा होगा व्लॉग में, कैसे वो तरीके से चूम चूम के शिद्दत के साथ केक खरी ऐसे और फिर पकड़ी गई बीच रात में केक खाते हुए पकड़ी। तो उस मुद्दे को रिजॉर्ट करते हैं, अभी तो वो ऑफिस में है, जब वो आती है तब लेते हैं मजे। बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ। क्या बुरा हुआ? रात में उसने मेरा खरीदा हुआ केक खाया है। तू तो उसके साइड देगी? माँ, आपकी बेटी ने मेरे साथ धोखा करा। लास्ट व्लॉग में उसने लास्ट में केक खाते हुए पकड़ी गई और आप कुछ भी नहीं बोली। उससे पहले तो मेरे से बड़ा एटीट्यूड दिखा रही थी। जनता जवाब चाहती है। मारू इसे। निधि को बुलाओ। आई नीड टू कन्फ्रंट हर। बस ये बताओ इससे, इसको कुछ होगा इस पत्थर को? ऑलराइट गाइस, मैंने निधि को देख लिया है ऑफिस से आते हुए और अभी बज रहे हैं शाम के 8। टाइम ज्यादा नहीं हुआ है, मुझे करना चाहिए उसे कन्फ्रंट कि कैसे उसने बीच रात में उस दिन केक खाया। वो तो उसकी किस्मत अच्छी है कि मैं ट्रिप पर चला गया था तो ज्यादा मैं कन्फ्रंटेशन कर नहीं पाया। रेडी हो? तुम शूट करोगे के लिए वो बच गई ना। और क्या पता, अंदर मैंने ऐसे स्टोर कर रखा था मैंने उस आग को, उस आज को। आज वो आग निकलेगी। नहीं, अभी नहीं निकल रही। इसको पकड़ो, शूट करो। A few moments later. गाइस, मैंने देख लिया निधि को आते हुए। मैंने देखा। मैंने भी देखा उस दिन कैसे बीच रात में, रात की 2:30 बज रहे हैं, केक फ्रिज में से ऐसे निकाल के ऐसे खा रही है जैसे कुत्ते को हड्डी लग गई हो और उसके मुंह से ऐसे लार निकल रही हो, खा रहा हो। मुझे कुत्ता बोल रही है। मम्मी देखो मेरे को कुत्ता बोल रहे है। मम्मी बोलेंगे क्या है? इसको पता ही नहीं कि ये फीमेल है। तो मतलब कुतिया बोल रहा है। मम्मी देख लो यहाँ गालियाँ चल रही हैं। कुत्ता कुत्ती चल रहा है। मैं ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, वो मैंने खुद ऑर्डर किया था बीच रात में। पहले ना हाथ नीचे करके बात कर, डर लगता है मेरे को। और एक सेकंड क्या बोल रही है? इसने बीच रात में केक ऑर्डर करा था। हाँ। आजकल कौन सी सर्विस चल रही है? एटलीस्ट झूठ तो ये ऐसा बोले जिसपे थोड़ा सा इतना सा विश्वास हो जाए। ये तो वही वाली बात हो गई जैसे 12.99999 अपने आप के लिए गाना गा रहा हो। तेरा होने लगा। ज्यादा बुरा था क्या? बकवास मत कर, मुझे भूख लगी है और भाभी प्लीज कैमरा बंद करो। आज तू कैमरा नहीं रखेगी जानम, तुझे तेरे आशिक की कसम। दोबारा ना मर भी ना मतलब दिया है। हाँ, सबटाइटल्स। बकवास करने ना लोड नहीं है। मैं ऋषि की बात करो, इसी से मारा आशिक है ना। ठीक है, मैं भी उदय आशिक। और सुन वेट, गिव मी योर फोन। फोन दे अपना मेरे को, अपने मेरे को अपने फूड एप्स, मुझे अपना फूड एप्स दिखा, मुझे अपना फूड एप्स दिखा, मुझे तेरा ऑर्डर देखना है, मुझे उस दिन का ऑर्डर देखना, मुझे उस दिन का ऑर्डर दे। तो मुझे कौन सा उसकी कॉल्स और मैसेजेस देखने हैं? मुझे सिर्फ उसका फोन का। हाँ एग्जैक्टली, सिर्फ मुझे फूड ऑर्डर देखना है, उस दिन क्या ऑर्डर किया था। हाँ, उसके मैसेज देख लिया, उसके कॉल देख ली। अपना यही इमेज बना रखा है, कोई ट्रस्ट नहीं है मुझे।
एक मिलियन लोगों के सामने अपनी छोटी बहन का फोन चेक करना चाहता। देखो कैसे बड़ा भाई है ये, मैं भाई बहन का फोन चेक कर रहे हैं इसे, इसे प्रूफ की जरूरत है। हाँ तो प्रूफ ट्रस्ट है ही नहीं, नहीं है, नहीं है ट्रस्ट। कहाँ जा रही है? ओ हेलो मैडम, जवाब दे के जाओ। बेचारी को यार शिल्पा, तू ना बहुत बड़ी कुत्ती चीज है, कब पार्टी बदल लेती है पता भी नहीं चलने देती। सही बोलता हूँ मैं तुझे, गिरगिट एक ए कमोली का, एक ए कुत्ती, एक ए शिल्पा, पकड़ इसको, खुद ही कर ले अपना। हो गया, ऐसी तैसी करा ले अपनी, तू करा ले। देखो गाइस, इन दोनों भाई बहन की तो आपस में लड़ाई चलती रहेगी और हम उस चीज का मजा लेते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो और बाकी नेक्स्ट एपिसोड का वेट करो, क्या होता है इन दोनों भाई बहन के बीच में, क्योंकि इस चीज के मजे ये भी ले रहे हैं, थोड़ा बहुत मैं भी ले रही हूँ, थोड़ा बहुत मम्मी भी ले रही है। विद दैट सेड, हंसते रहो, हंसाते रहो, खुशियां बांटते रहो, फिर मिलेंगे चलते चलते, बूम।